ठीक हो जाएगी। हमने इसका नामकरण कर दिया है, इसका नाम रखा है हमने भूरा। तो अगली बार से हम इसे भूरा ही पुकारेंगे और अब भूरे का आज का ट्रीटमेंट आपको दिखाऊंगा। तीसरे दिन का ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। दो दिन में इसकी सिचुएशन में क्या फर्क पड़ा है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बताऊँ। ये देखिए, दो दिन के ट्रीटमेंट से पहले इसको ब्लीडिंग जो कंटिन्यू हो रही थी, अभी इसको ब्लीडिंग नहीं है और इसके बॉडी पे ये पपड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, दो दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही जो जख्म हो रही थी, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, वो कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। दो दिन में बहुत ज़्यादा तो कवर नहीं हो सकते, तो अभी आज हम इसका तीसरे दिन का ट्रीटमेंट करेंगे। ये देखिए, इसे अभी पता है कि इसकी दवाइयाँ रेडी हो रही हैं। ये बिल्कुल पास में आके खड़ा हो जाता है कि अभी से दवाइयाँ मिलेंगी। है पूरा ये हो गई है इसकी दवाइयाँ, ठीक है। अभी इसमें हम मसाला मिला देते हैं ताकि खा ले इसे आसानी से। देखना है कितने अच्छे से खाएगा। पहले हम इसे ये सिर्फ दवाई देते हैं ताकि ये दवाई अच्छे से इसके पेट में जाए। ये हो गई है इसकी दवाई रेडी। भूरा हम इसे खाना देंगे क्योंकि यहाँ पर इसे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। उसके बाद इसे हम लोशन लगाएंगे क्योंकि लोशन लगाते ही इसको खुजली होगी, इचिंग होगी, वो जलन करेगा तो ये भाग जाएगा। इसे पूरा तो खाओ। अच्छा, वाह क्या बात। ये लो, ये भी था। वेरी गुड। ये लो, आओ। Thank you.
हर जगह इसको हमने लोशन लगा दिया है। हम लोशन पूरी बॉडी पर ही हर एक पार्ट पे लगा रहे हैं ताकि जल्दी इसे रिलैक्स मिले। बस आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए कि जल्दी से इस बच्चे को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और ये जो बुरा अभी फिलहाल पूरा बुरा नहीं रहा है तो ये जल्दी ही पूरा बुरा हो जाए, प्रार्थना ऐसी जरूर करिए, है ना। अच्छा अच्छा, देखो उधर हेलो बोलो, दोस्तों को हेलो तो बोल दो ना। और देखो देखो कैमरे उधर देखो, इधर से दिखाओ भाई, इसका फेस दिखाओ, ये हेलो बोलेगा अभी। देखो हाँ हेलो बोलो, हेलो उनको बोलो ऐसे, हेलो कैसे हैं आप। सभी दोस्तों को बोलो कि मेरे लिए ना प्रार्थना करो ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है बुरा। देखो उधर फोन में चल, ठीक है, दवाई भी मिल गई, लोशन भी लग गया, अभी जाओ खेलो, चलिए उठो। वेरी गुड, ये देखिए दवाई लगवा के दवाई खा के कितना खुश है ये अपना ट्रीटमेंट करवा के। तो दोस्तों आप भी अपने आसपास अगर किसी बेजुबान को किसी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज़ उसका जरूर ध्यान रखिए। अगर उसके खुद आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी की मदद जरूर दीजिए। अगर वही खुद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ना किसी को सूचना जरूर दे दीजिए ताकि कोई उसकी मदद कर सके।